सर पहाड़ी पर हलचल नजर आ रही है, ओवर। हलचल? कैसी हलचल? कुछ लोग हथियारों के साथ नजर आ रहे हैं, ओवर। उन पर कड़ी नजर रखो, इट कुड बी सीरियस, ओवर एंड आउट। By sending mercenaries and its own armed personnel across the line of control in the Kargil sector, Pakistan has once again committed aggression against India. They are talking of having inflicted some kind of 100-150 casualties on us. They are telling all kinds of cock and bull stories. They haven't inflicted any casualties on us. They haven't repulsed any attack from our side. Namaskar, Jai Hind. आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डॉक्यूमेंट्री शो वंदे मातरम। 1971 की जंग के अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच हर जंग की शुरुआत छलावे से हुई, चाहे वो आजादी के फौरन बाद कश्मीर हड़पने की साजिश हो या 1965 में स्थानीय बगावत छेड़ने की कोशिश। लेकिन दोनों देशों के बदलती हुकूमत के बीच बहुत कुछ बदल रहा था और बदलती सियासी फिजा के दरमियान विश्व में भारत का रुतबा भी बढ़ता जा रहा था। यह वो तारीख थी जब एक शांति प्रिय देश ने दिखाया था कि महज बाजुओं में ताकत ही बहादुरी नहीं। उस ताकत के बावजूद शांति बनाए रखना ही असली वीरता है। सचमुच में पोखरण में हम एक और परीक्षण कर सकते थे। लेकिन जब हमें लगा कि वैज्ञानिक तकाजा पूरा हो गया है तो उस परीक्षण को हमने छोड़ दिया। एटमी हथियार रक्षा के लिए भी हो सकता है, युद्ध टालने के लिए उनका प्रयोग हुआ है। इतने वर्षों तक यूरोप में शांति रही, दो शिविरों में बटे हुए विश्व में युद्ध नहीं हुआ। इसके मूल में कहीं ना कहीं ये बात थी कि शक्ति संतुलन है और इसलिए एक दूसरे को छेड़ने से बाज आना चाहिए। ১৯৭৪ के बाद यह हिंदुस्तान का दूसरा परमाणु परीक्षण था, लेकिन 1978 से कोशिश में लगे पाकिस्तान को अपने वजूद पर खतरा नजर आने लगा। उसी महीने की 28 तारीख को पाकिस्तान ने भी जगई में परमाणु परीक्षण कर डाला। जिस वक्त ये खबर मुझे मिली कि हिंदुस्तान ने आज एटमी धमाके किए हैं, मेरे दिल ने यह फैसला कर लिया कि इंशाल्लाह हम भी इन एटमी धमाकों का जवाब एटमी धमाकों से देंगे। बात हथियारों की होड़ पर रुकती तो वाजिब था, क्योंकि अगर हिंदुस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण किया था तो फरवरी 1999 में हिंदुस्तान से सदाए सरहद भी निकली थी, दोस्ती का ऐलान हुआ था। पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान के किसी वजीर आजम का यह पहला दौरा है। मुझे आपके बीच आकर बहुत खुशी हुई है। जिस वक्त मैंने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया और शाम के ढलते हुए सूरज का खूबसूरत नज़ारा देखा
उस वक्त मेरे दिल में मिले जुले जज्बात उठे। मुझे इस बात के लिए खुशी थी कि मैं 21 साल के बाद फिर से अमन और दोस्ती का पैगाम लेकर आपके बीच में आ रहा हूँ, लेकिन अफसोस इसलिए था कि हमने इतना वक्त आपसी रंजिश और कड़वाहट में बिता दिया। आज हमारे आपसी रिश्तों में कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका हल हिंसा और खून खराबे से निकाला जा सके। मुश्किल और बकाया मसलों का हल एक साफ सुथरे माहौल में और एक संतुलन, नरमी और सच्चाई का रास्ता अपना कर ही किया जा सकता है। अमन की बस दिल्ली और लाहौर के बीच दौड़ रही थी, लेकिन नियंत्रण रेखा पर आकार ले रहा था एक अनियंत्रित षड्यंत्र। जाने ये एक आशंकित पड़ोसी की घबराहट थी या वर्दी के अनुशासन में छुपी एक शख्स की अघोषित महत्वाकांक्षा। पहले सिर्फ इस बात को सिर्फ घुसपैठ तक सीमित रखना गलत होगा, क्योंकि एक बड़ा प्लान बना हुआ था जिसका आर्किटेक्ट जनरल मुशर्रफ थे, और ये कोई घुसपैठ छोटी मोटी जो दो चार आदमियों की टुकड़ी आ जाती है हमारे एरिया में उसे घुसपैठ कहा जाता है। ये एक बड़ा भारी ऑपरेशन था जो कि हाईएस्ट लेवल पे प्लान किया गया था। कश्मीर हथियाने की कोशिश पाकिस्तान के तकरीबन हर हुक्मरान ने की, खासकर उन लोगों ने जो सत्ता संभालने का सपना संजो रहे थे। अक्टूबर 1998 में नवाज शरीफ ने अपनी मर्जी से जनरल परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान आर्मी चीफ बनाया। उस वक्त ना तो कोई मुशर्रफ की सियासी अभिलाषा को जानता था और ना ही उनकी सीमा पर साजिश को। यह सैन्य परंपरा रही है कि ठंड के मौसम में जब पहाड़ों की चोटियां बर्फ ओढ़ लेती हैं, तब भारत और पाकिस्तान की फौज ऊंचाई के पोस्ट छोड़ देती हैं। मौसम फिर बदलने पर ही वो दोबारा अपने पोस्ट पर तैनात होते हैं। यूं तो हर साल बर्फ पिघलने के वक्त सैनिकों की तैनाती से पहले घुसपैठ की कोशिशें आम हैं, लेकिन 1999 में यह कोशिश कुछ अलग थी। सबसे पहले मई के महीने में, दूसरे हफ्ते में या लगभग, कुछ ये बकरवाल वगैरह थे वो तुरतुक सेक्टर में अपने भेड़े बकरे याक वगैरह लेके जा रहे थे। तब उन्होंने देखा कि कुछ आदमी जो कि काले से कपड़े पहने हुए और हैवी वेपन्स के साथ लेस थे, उन्होंने उनको देखा और उनको देख के वो डर के मारे भाग के आ गए, और वहाँ पे पंजाब बटालियन थी, उनके सीओ को आके उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमने देखा है। गडरियों से मिली जानकारी के बाद हिंदुस्तान ने अलग अलग इलाकों से पेट्रोल पार्टियां रवाना कर दी। कैप्टन सौरभ कालिया की अगुवाई में 5 सैनिकों की पेट्रोल पार्टी इनमें से ही एक थी। ये अनुमान लगाया जा रहा था कि पहाड़ों की चोटियों पर मुट्ठी भर मुजाहिदीन काबिज हैं। 9 मई को करगिल पर जबरदस्त बमबारी हुई, इसकी चपेट में हथियारों का ढेर आ गया था। एम्यूनेशन डंप 3 दिन तक चलता रहा। हिंदुस्तानी खेमे में घबराहट तो रही, लेकिन दुश्मन का आकलन मुमकिन नहीं हो पा रहा था। द्रास, ककसर और मुश्कों से भी घुसपैठ की खबरें आने लगी थी। जितनी भी पेट्रोल पार्टियां रवाना की जा रही थीं, उनमें से कोई भी लौटकर नहीं आया था। पहले बटालिक में डिटेक्ट हुआ, बटालिक के बाद फिर दराज में डिटेक्ट हुआ, फिर मशकों में डिटेक्ट हुआ, और कुछ फिर कारगिल के सामने उसके एरिया में डिटेक्ट हुआ। तो 4 या 5 पॉकेट थे। हाँ, सब सेक्टर हनीफ में भी डिटेक्ट हुआ, जो कि 102 इन्फेंट्री ब्रिगेड या सियाचिन वाले ब्रिगेड में भी था। तो ये तकरीबन 5 सेक्टर थे जिनमें दुश्मन आ गया था, पर ये आया उन्हीं एरिया में थे जो अनऑक्यूपाइड थे।
कश्मीर घाटी से करगिल सेक्टर के लिए और फौज रवाना की जाने लगी थी। दुश्मन कौन है, उसकी तादाद कितनी है, घुसपैठ का पैमाना क्या है, ये सब कुछ बस अनुमान में कैद था। राजनीति विश्वासघात से छलनी थी। सैन्य अधिकारी आदेशों के अभाव से, और जवान उन्हें तो बस आगे बढ़ते जाने का फरमान था। ये हमें किसी ने नहीं बताया, ना कि ऊपर की इंटेलिजेंस ने, ना कि ग्राउंड इंटेलिजेंस ने, कि असली में फौजी ही इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। तो ये काफ़ी मुश्किल हो गया था, और हमें सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी था कि पता करें कि ये मिलिटेंट्स हैं या फौजी हैं। ये सब की समझ से परे था कि जो मुजाहिदीन अब तक सेना के जवानों को देखकर छिप जाया करते थे या भाग खड़े होते थे, अब मुकाबला क्यों कर रहे हैं। बगैर उकसावे के कभी पेट्रोल पार्टियों पर, तो कभी सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों पर बमबारी क्यों करते हैं। इस सवाल का जवाब इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं था। दोलोलिंग की नंगी पहाड़ी 16,000 फीट की ऊंचाई से त्रास की ओर देखती है। चढ़ाई का बस एक रास्ता है और छिपने के लिए कुछ भी नहीं। रात के अंधेरे का इस्तेमाल होता तो दुश्मन फ्लेयर जलाकर ढूंढ निकालता। 11 मई से वन नागा के जवान इस कोशिश में लगे थे कि दोलोलिंग पर वापस कब्जा हो सके। वो चढ़ाई तो चढ़ लेते, लेकिन कहते हैं चोटी पर काबिज पाकिस्तानी आखिरी लम्हे पर या तो गोलियां बरसा देते या फिर चट्टान गिराकर उन्हें मार डालते। बाईस मई को तोलोलिंग पर कब्जे की जिम्मेदारी 18 ग्रेनेडियर्स को सौंपी गई। जानकारी के नाम पर बस इतना के 4 से 6 आतंकी हैं जिन्हें हटाकर चोटी पर कब्जा हासिल करना है। लगातार 3 कोशिशें नाकाम हो चुकी थीं और ग्रेनेडियर्स को अब कैजुअल्टीज झेलनी पड़ रही थी। 3 हफ्ते यूं ही गुजर गए और हिंदुस्तान अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि दुश्मन कौन है और लड़ाई किससे है। तब भारतीय वायुसेना से मदद मांगी गई। 17 मई को पहले विमान ने गश्त लगाई, लेकिन जरूरत तस्वीरों की थी। कैनबरा विमान ऊंचाई से उड़ान के दौरान तस्वीरें लेने में सक्षम है। स्क्वाड्रन लीडर ए पेरूमल ने आगरा से त्रास और फिर करगिल का सफर तय किया तो हकीकत देखकर हैरान रह गए। पर ये एक और साधन है जिससे कि जो एरियाज डेप्थ में हैं, जो हमको नज़र नहीं आते, उन सब के ऊपर एक एरियल फोटोग्राफी मिल जाती है। उससे ना कि हमको भी खबर मिलती है, फोटोग्राफ्स हमारे पास आती हैं, पर पहले हायर हेडक्वार्टर्स और गवर्नमेंट के पास एक मीन्स ऑफ कन्फर्मेशन आ जाती है कि भाई यहाँ कुछ ना कुछ हरकत है और एक्टिविटी है। कोई बंकर दिखाई देंगे, कुछ और दिखाई देगा, कुछ किसी चीज़ का स्टॉक पाइल पड़ा होगा। विमान जब बटालिक पहुंचा तो एक स्टिंगर मिसाइल से उस पर हमला हुआ। एक इंजन में आग लग गई, लेकिन बेहद बहादुरी से स्क्वाड्रन लीडर पेरूमल विमान को सुरक्षित लैंड कराने में सफल रहे। तस्वीरों से इतना तो साफ हो गया था कि दुश्मन चाहे जो भी हो, वो मुट्ठी भर नहीं। उसके पास सोफिस्टिकेटेड हथियार थे, बंकर थे, सप्लाई लाइन थी। यानी भले ही वो मुजाहिदीन हो, पाकिस्तानी फौज के संरक्षण के बगैर ऐसी घुसपैठ संभव ही नहीं थी। छब्बीस मई को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय और वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर का ऐलान कर दिया, ताकि घुसपैठियों को नियंत्रण रेखा के उस पार खदेड़ा जा सके।
26 मई को भारतीय वायुसेना का पहला मिशन विफल हो गया था। बटालिक सब सेक्टर में बमबारी के लिए 4 मिग विमान निकले थे, जब फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता का मिग 27 अचानक लपटों में गिर गया। उनकी टोहले ने जब स्क्वाड्रन लीडर अशोक आहूजा लौटे तो दुश्मन ने उन पर मिसाइल दाग दी। नचिकेता और उनके फॉर्मेशन मेंबर्स ने एक अटैक किया, दूसरा अटैक जैसे कर रहे थे तो नचिकेता का, जैसे उसने रॉकेट रिलीज किया उसको इंजन ट्रबल हुई और वो लाइट अप नहीं हो सका, तो उसको इजेक्ट करना पड़ा, उसको पकड़ा गया। स्क्वाड्रन लीडर आहूजा ने जब ये देखा और सुना तो उसने बोला कि इधर हम जरा देखें कहाँ गिरे हैं कि हम हेलीकॉप्टर को बुला के उसको पिकअप कर सकते हैं। तो उसको ढूंढ ही रहा था, तो ऐसे टर्न टर्न कर रहा था, जैसे ढूंढ रहा है तो उसको देखा नहीं कि उसकी हाइट कम होती गई और जब उधर विद इन द डेंजर जोन ऑफ मिसाइल्स, तो मिसाइल ने उसको गिरा दिया। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ चीन के दौरे पर गए थे और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अजीज से फोन पर सरहद की जानकारी लिया करते थे। ये बात तो 26 मई 1999 की है, लेकिन हिंदुस्तान को इसकी जानकारी चंद रोज बाद लगी। हेलो, कैसे चल रही है आपकी विजिट? आप बताएं क्या चल रहा है उस तरफ? अल्हम्दुलिल्लाह, जमीनी सिचुएशन वैसे ही है। हिंदुस्तानियों ने बॉम्ब और रॉकेट चलाना शुरू कर दिया है। अपनी सरहद में या हमारी तरफ? अपनी तरफ, लेकिन आज 3 बॉम्ब हमारी तरफ गिरे। हमें कोई नुकसान नहीं है, मुझे लगता है वो हमें मैसेज देना चाहते हैं। मैंने फॉरेन सेक्रेटरी से बात की है और उनसे कहा है इस मसले को प्रेस में उठाए। सिर्फ प्रेस में है क्यों, हिंदुस्तानियों को भी बताना चाहिए। बताया है, फॉरेन सेक्रेटरी और प्रेस ऑफिसर दोनों बताएंगे। बहुत बढ़िया। मियां साहब को जो हमने ब्रीफिंग दी थी, क्या वो जमशेद के ऑफिस में है या फिर? नहीं, नवाज शरीफ के अपने दफ्तर में। ओ, क्या कहा उन्होंने? तौकीर जिया ने हिंदुस्तान में DGMO से बात की थी, कह रहे थे कि मुजाहिदीन यहां बगैर पाकिस्तान के सपोर्ट के नहीं आ सकते। कहा कि ये लाहौर डिक्लेरेशन के स्पिरिट के खिलाफ है। तो क्या बातचीत का जिक्र भी हुआ? नहीं नहीं, बस ये कह रहे थे कि जिहादियों की खातिरदारी की जाएगी। तौकीर बार बार पूछ रहे थे कि हमें डिटेल्स दे कि कितने हैं, कहां हैं, तो हम कुछ मदद कर पाएंगे। इस पर वो सिर्फ यही कहते रहे कि अगले दौर की बातचीत होगी तो हम दिखाएंगे। कोई घबराया हुआ तो नहीं था? थोड़ी घबराहट तो थी कि कहीं जंग न छिड़ जाए। मैंने समझा दिया कि ऐसा नहीं होगा, मुजाहिदीन की टूटी तो हमारे हाथ में है, हमें जब मन होगा हम उसे संभाल लेंगे। और कुछ, मियां साहब कैसे हैं? हाँ, वो कॉन्फिडेंट है। पिछले 2 घंटे से BBC लगातार इंडिया की एयर स्ट्राइक्स की खबर दिखाता रहा है। मामले को इंटरनेशनलाइज करने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। कोफी अनान ने भी दोनों देशों से अपील कर दी है कि अमन से मिल बैठकर मामला को सुलझा दे। ये तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ वाकई। ओके बाय। दरअसल पाकिस्तान को एहसास था कि दोस्ती के माहौल में बातचीत से कश्मीर नहीं मिल सकता। सीमा पर बिगड़े माहौल को मुजाहिदीन की लड़ाई दिखाने से ये साबित करने में पाकिस्तान को कामयाबी मिलती कि स्थानीय लोग हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान से जुड़ना चाहते हैं। शायद एक किस्मत का खेल था कि मुशर्रफ चाइना गए हुए थे और वहाँ बड़े कॉन्फिडेंटली वहाँ से अपने होटल के कमरे से अपने जनरलों से, 2 जनरलों से जिनमें अजीज़ भी शामिल थे, उनसे बातचीत कर रहे हैं। उसमें ये कह रहे थे कि देखो अब तो
सब कुछ हमारी प्लान सक्सेसफुल हो गई है और नवाज शरीफ को जितना पता है नहीं पता है वो अलग बात है, तो इस तरह का वो अपनी तरफ से बोस्टिंग करते रहे। अब ये चाइना वालों ने दिया, जैसे पाकिस्तान में कहा जाता है कि चाइना वालों ने ये टेप करके दी या अमेरिका ने दिया या किसी ने भी दिया, पर बात यह है कि वो एक डिवाइडिंग लाइन थी, या जिस तरह कहते हैं कि रूबिकॉन था, कि वो एक क्रॉस हो गया और उसके बाद जो भारत को थोड़ा सा संदेह था कि शायद ये घुसपैठिए हैं या आर्मी वाले नहीं हैं, वो खत्म हो गया। इस बीच मई के आखिरी हफ्ते में हिंदुस्तान के हाथ मोर्चों पर खाली ही थे, सैनिक बहादुरी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन चोटियों पर बैठा दुश्मन भारी पड़ रहा था। अब रणनीति बदलने पर विचार चल रहा था। इस बात की जरूरत समझ में आ रही थी कि चढ़ाई चढ़ने से पहले दुश्मन को कमजोर करना होगा और इसके लिए आर्टिलरी यानी दूर से ही हमला करने वाले हथियारों के इस्तेमाल पर मंथन शुरू हुआ। और इसमें कोई शक नहीं है, जो सबसे बेहतरीन गन रही है वो रही है बॉफर्स करके, क्योंकि एक ऑटोमेटेड गन थी और सबसे इसके लिए खासियत ये थी कि ये हाई एंगल, क्योंकि आम गन क्या है कि 45 डिग्री से कम पे फायर करती है, तो उसमें क्या है कि पहाड़ के अंदर राउंड अटक जाते हैं। जब आप 45 डिग्री से ऊपर फायर करो तो राउंड ऊपर से जाके फिर अपने टारगेट पे आराम से पहुंच सकता है, पर उस फायरिंग को करने के लिए गन को पहले नीचे लाना पड़ता है, फिर राउंड डालना पड़ता है, फिर सीधा करना पड़ता है, फिर वो सारा एक मैनुअल काम बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो भी हाइल्टिट्यूड पे जहाँ सांस की कमी है। पर ये थी ऑटोमेटिक गन, ये ऑटोमेटिक की हाई एंगल में तीन तीन चार चार राउंड निकाल सकती थी, तो इसमें बहुत फ़ायदा रहा है, इस गन ने बहुत बेहतरीन काम किया। इतनी ऊंचाई पर हैवी आर्टिलरी भारी बंदूकें लाने में वक्त लग रहा था और चोटियों पर बैठा दुश्मन ये मूवमेंट आसानी से देख भी सकता था, लिहाजा भारतीय सेना ने एक नई तरकीब सोची, रात के अंधेरे में हेडलाइट्स ऑफ करके ट्रक सफर करते और ट्रक के ठीक सामने दो जवान टॉर्च चलाकर रास्ता दिखाते हुए बड़ी हिम्मत के साथ दौड़ते। पहाड़ों को काट काट कर तोपों को छिपाया गया ताकि जवाबी गोलीबारी में भी उनके नष्ट होने का अंदेशा ना रहे। वो लोग ऊंचाई पे थे सब, और आप जानते हैं ये सारी नाइफ रिजेस हैं, बहुत ही बारीक, डिप्लॉयमेंट के लिए ज़्यादा जगह नहीं है, तो अगर आपने और बहुत स्टीप क्लाइम्स हैं और कवर नहीं है जिसके पीछे आड़ के पीछे आप कुछ अपने आप को बचा सकें। सात मई से तोलोलिंग की चोटी को निशाना बनाकर भारतीय फौज ने गोले दागने शुरू कर दिए, लेकिन असली हमले में अभी वक्त था। बेहद घातक बोफोर्स तोपें तैनात हो चुकी थीं, लेकिन उन्हें असलेह का इंतजार था ताकि तोलोलिंग को वापस हासिल किया जा सके। द्रास का इलाका जहां तापमान -60 डिग्रीज तक गिर जाता है और जहां ऊंची चोटियों से छुपा दुश्मन गोले बरसा रहा था, टोलोलिंग वापस हासिल करने की कई कोशिशें अब तक नाकाम हो चुकी थीं। वन नागा ने टोलोलिंग के बेस बिम्बेट पर कब्जा कर लिया था और अब टोलोलिंग के असॉल्ट के लिए 18 ग्रेनेडियर्स के साथ 2 राजपुताना राइफल्स भी आ चुके थे।